coffee. It's about you and me, honey, honey, honey. It's not about a coffee. It's about you and me, honey, honey. Tum milo. अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार, आई एम श्योर तुम लोग इससे अच्छा गा सकते हो। दिल से गाओगे तो अच्छा साउंड करेगा। एक बार और ट्राई करें दिल से, अच्छा आएगा। कम ऑन, ये गाना इस एल्बम का बेस्ट होना चाहिए। 1 2 3 4 bedroom. All the best. Thank you, sir. Aadhi adhuri kitni baatein pura hone ko tarse aazadi ab chahta hai dil teri judai ke dar se. Mama, aaj papa field late aane wale hain. देखना चाहते हो? ये मत भूलो कि हमारी सारी फैमिली ने आर्मी में रहकर इस देश की सेवा की है। We have lived and died for this country. और तुम इससे दूर जाना चाहते हो? आर्मी से दूर नहीं जा रहा सर, मैं सिर्फ एक बार उन लोगों को करीब से देखना चाहता हूं जिनके लिए हम फौजी अपनी जान देते हैं सर। अनजानी सी दहलीजों पर बैठे कितने रिश्ते बिन बोले हम यूं ही खत्म कर बैठे उसके दिल की ना सुन पाए ना अपने ही कहीं तुम मिलो शूटिंग देखने खड़ा हूँ, बस अभी भी आया हूँ। वैसे कोई सलमान शर्मा कोई आया है हैं जी? नहीं। सिक्योरिटी, गेट हिम आउट। ओए, 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 मेरा टिकट गिर गया भैया। अरे यार, अरे अरे मेरा टिकट गिर गया यार, क्या कर रहे हो? क्या रे? टिकट प्लीज। भैया, मैं वहाँ शूटिंग देख रहा था, मेरा टिकट वहीं गिर गया है। मैं मुंबई फर्स्ट टाइम? हाँ जी। हाँ, वेलकम। चलो, आँखों पे मेरी, हाथों को अपने चुपके से रख जाना। मानेक स्वामी, अरे
रूबल्स कैफे। रूबल्स कैफे मुंबई में नहीं बल्कि इंडिया के हर कोने में मिलेगा। प्राइसिंग और ब्रांड बिल्डअप से कंपटीशन को मारो। जिन्हें भी प्राइम लोकेशन है उन्हें खरीद डालो, प्रॉपर्टी या सेट है। रूबल शैल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट द लक्की कैफे, ये होगी हमारी सबसे प्राइम लोकेशन। और मिस्टर लिंकन का मानना है कि ये ब्लूबेल्स का कोहिनूर होगा। एक तरफ कॉलेज के सारे बच्चे और दूसरी तरफ ये सारे ऑफिस गोअर्स। उस एरिया का एक्सक्लूसिव लोकेशन, हर तरफ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। हमें ये कैफे किसी भी कीमत पर अक्वायर करना है। थैंक यू वेरी मच डेविड। थैंक यू। वेल, लकी कैफे हो जाएगा ब्लूबेल्स कैफे। सर ये लकी कैफे के केस क्या मैं हैंडल कर सकता हूँ? श्योर, तुम जानते हो किसी को वहाँ? मैं एक्चुअली मैं नहीं, मेरी बीवी अच्छी तरह जानती है दिलशाद आंटी को। And thank you very much. यार अमित, मुझे ये कैफे किसी भी हालत में चाहिए, हो जाएगा ना? समझ लीजिए हो गया। I know you can do it. You're my man. ए राम राम, इधर आ इधर आ। मैडम, एक काम करनी, इसमें जितना खराब मौसम भी है ना, सड़ेला सड़ेला वही बाजू करनी। सड़ा हुआ मतलब बैड वाला? हाँ बैड बैड। अरे आंटी जी, क्या करेंगे उसका आप? अरे उसका सोजू जैम बनाऊंगी। अब मौसम भी लेके जू हो जाएंगे आप, बताइए हैं? अरे डफर जू नहीं, सोजू सोजू। अच्छा, टेस्टी। अच्छा, अरे विनोद थैला निकालो भाई, लाओ लाओ। मैडम मैडम मैडम, सड़ा हुआ है, वापस कॉफी हाउस जाना ना, पैसे भी थामता हूं। अरे दूसरा भाड़ा नहीं मिला क्या? ए मानिक, मैडम को बोलना ये मेरे साथ ही चलने का। ए मैं रुकता हूं। वन बाय वन टोटल 20 पीस है। हां ओनली 20? हां हां। रमेश मेरे को उल्लू बनाता है। रुक जाओ, डेलजाट नाम है मेरा, डेलजाट। चल चल, 4 डजन अच्छा वाला डाल। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पे तेरे को 70% आए थे ना, इस साल 101% नक्की। बस दो कड़क कड़क महात्मा जी भिजवा दे और पेपर उठवा ले यार, टेंशन क्या है? ओके चल बाय, चल। गुड मॉर्निंग सर, कल का नाश्ता अच्छा दिया था? नाश्ता? ए तूने इस हॉस्टल को अपना ससुराल बना रखा है? 365 दिन तुम यही पड़े रहोगे? अरे तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं? मुंबई में परमानेंट एड्रेस का होना शर्म की नहीं गर्व की बात है। और वैसे भी स्ट्रगल जारी है ना वार्डन साहब, एक ना एक दिन लाइफ में ये जगह भी खाली करनी ही पड़ेगी। फिलहाल खाली करके आता हूँ। Disgusting. No, it's natural. विक्रमजीत सिंह रिपोर्टिंग सर। अरे फ्रॉम द टीवी चैनल, हैं? यहाँ पर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। चलो गेट आउट, मुझे काम करने दो अपना। चलो कहीं भी खबरें। भाई यहाँ कमरा कौन बताएगा? भाई कलर बता सकता हूँ, कमरा तो नहीं। कमाल का शहर है यार। सर सर, हेलो हेलो, डेलनर्स केम छे दिखरा? मजा मा, एक मिनट, शॉपिंग फॉर द कैफे? इट्स ऑलवेज द कैफे। बचपन से यही कहानी सुन रही हूँ मैं, बेटी से भी पहले कैफे। एहू नथी दिखरा? अरे रवा दो ने, मोरी तो फिकर नथी तमुने। दिखरा तू जाने छे, लव यू। हाँ हाँ, बस तू जानू, इसीलिए अब आपको ठीक करने आ रहा है आर्यन। दिखरूस कैसा है? अच्छा है, he's growing up. बालों में जेल, M&M, और जिद्दी है बिल्कुल तुम्हारी तरह, और ये ठान के इंडिया आ रहा है कि तुम्हें लेकर ही ऑस्ट्रेलिया आएगा। अच्छा, और तू? तू चिट्ठी लेके आया वैसे? हेलो हेलो डेल, हेलो हेलो, सुब्रमण्यम सर साहब ने बुलाया है। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम ही होगी। इस कंपनी में आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन इनवैल्यूबल रही है। मिस्टर सुब्रमण्यम इस लॉ फर्म के बैकबोन है आप। यू गेट योर चेक्स बिकॉज ऑफ हिम एंड व्हाट अ मैन। इन्होंने अपने करियर को कोर्टरूम को सैक्रिफाइस कर दिया अपनी मां के इलाज और देखभाल के लिए। वाह, व्हाट अ मैन।
मैंने अपने फादर से सुना था कि जब वो कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाया करते थे, मिस्टर सुब्रमण्यम यहीं इसी ऑफिस में बैठकर ऐसी ब्रीफ तैयार करते थे कि उनका जीतना बड़ा ही आसान हो जाता था, राइट? क्या रेपुटेशन है इनकी, एकदम उफट, नो नॉनसेंस मैन। थैंक यू सर। अब मिस्टर सुब्रमण्यम ने एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की, लेकिन हमें लगता है कि अब वक्त आ गया कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी कमी तो जरूर महसूस होगी, लेकिन अब इस कंप्यूटर के जमाने में हमें आगे बढ़ना है। Then, well, all the best. और हाँ, अगर you know, हमारी तरफ से आपको किसी भी तरह की तकलीफ पहुंची हो, then we're deeply sorry. No, Mr. Sood, don't be sorry. पिछले 30 सालों में मैंने कभी सॉरी नहीं कहा। पहले तो ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से सॉरी बोलना पड़े। ये सॉरी आदमी को कमजोर बना देता है, और कमजोर आदमी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल नहीं सकता जो आने वाले दिनों में तुम्हें और तुम्हारे कंप्यूटर को अपने कंधों पर लेनी है। तूने कभी हारना नहीं देखा, ना ही मैं तुम्हें हारते हुए देखना चाहता हूं। सो डोंट बी सॉरी यंग मैन, आई एम नॉट सॉरी। फॉर यू। अक्षत पुष्ट रखिए, भगवान श्री गणेश जी महाराज को स्मरण कीजिए। ऐसे क्या देख रही हो? ए, व्हाट अ लवली प्लेस दिख रहा। हां, नमो गणेश जी। मैंने बुलाया था पंडित जी, आप चालू रखिए, मैं अभी आता हूं। दिस इज योर सिटू को बुक। थैंक यू आंटी। वाओ आंटी, अमित, नाइस पैड मैन। थैंक यू। कमरा दिखाओ, दिखाता हूं। यू गॉट शो मी दिस प्लेस यार, बिग प्लेस फॉर पार्टीज यार। कमरा कब करें? नो पार्टीज हियर, ओके? नन एट ऑल। ओके। आपकी कमी तो जरूर महसूस होगी, लेकिन अब इस कंप्यूटर के जमाने में हमें आगे बढ़ना है। अरे मेरे को समझ में नहीं आता है। छे, काय झालं? अरे कितनी बार बोला इस गाड़ी को बेच डालो, समझ में नहीं आता कि अरे पुरानी हो गई, कभी भी खराब हो जाती है यार। गाड़ी अच्छी है, बेचने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा, आप मेरी बात समझते नहीं हो यार, कभी काय गलत नहीं, कितनी बार बोल चुका हूं। इज ही योर फादर? यस, सो व्हाट, इज दिस अ वे टू टॉक टू हिम? आप समझते हो बूढ़े हो गए मतलब उनका कोई काम नहीं? बिहेव योरसेल्फ। हर जवान आदमी ऐसा क्यों सोचता है कि बूढ़े लोगों से ज्यादा समझता है उसको? टॉक इन अ प्रॉपर मैनर। क्या प्रॉब्लम, क्या है इसका? ये हैरी कितना पाक 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 करता रहता है। दिलशाद आंटी से मिलने का चांस ही नहीं मिला। नाराज तो नहीं थी ना वो? नहीं। क्या हुआ, खुश नहीं हो? मैं तो हमारे 1BHK में भी इतनी खुश थी। क्या हुआ? क्या हुआ, परेशान हो, घबरा रही हो? Don't worry, I've got it all sorted out. सब प्लान करके बैठा हूँ। I mean, कुछ महीने हमारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे चलेंगे, फिर सैलरी, मेरा मतलब है प्रमोशन, डबल द सैलरी। EMI ऐसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी।
ये तुम मुझे समझा रहे हो या अपने आप को दिलासा दे रहे हो? क्यों पीते हो इतना? ना तुम्हारे लिए अच्छा है ना अंकुर की एलर्जी के लिए। उसे तो स्पोर्ट्स से भी एलर्जी है, आउटडोर खेल कूद सारा दिन तो किताब लेकर बैठा रहता है तुम्हारी तरह बकवास। Then why blame me? Why blame you? थोड़ा वक्त बिताओ उसके साथ अमित, उसके साथ खेलोगी तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, सेहत अच्छी हो जाएगी तो एलर्जी भी काबू में आ जाएगी। Spend time with him, Amit. Time? Oh. Time. एक्सीडेंट के एक साल बाद तक मैं घर पे बैठा रहा और आज जब मैं काम पे जा रहा हूँ you have a problem. Fine. No. I won't concentrate. मैं घर पे बैठता हूँ, okay? मैंने ऐसा कब कहा अमित? फिर क्या कहा तुमने अनीता? क्या चाहती हो तुम? मैं मेहनत नहीं करूं? मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? तुम लोगों के लिए ना। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो ये घर, ये गाड़ी, ये सब कहां से आता? अमित लिसन टू मी, लिसन टू मी, डोंट लिसन टू यू। हेलो, हां सर, नॉट अ प्रॉब्लम सर, नॉट अ प्रॉब्लम सर। हां सर बोलिए सर। अरे नहीं सर, बच्चे के साथ छुट्टी कभी और ले लूंगा सर, डोंट वरी, डोंट वरी सर, डोंट वरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। What? अब क्या? क्या कहता उनसे? हम दोनों का झगड़ा चल रहा है या काट देता उनका फोन? Don't seem to understand. Anyways, मैं जा रहा हूँ, जाना ही पड़ेगा मुझे। अनीता, योर हाउस इज वेरी नाइस एंड बिग। हाँ, घर के नाम पर फुटबॉल फील्ड खरीद लिया है। हाँ, और खेलने के लिए बस 3 प्लेयर्स। अरे नहीं अनीता, नहीं, सारा फॉल्ट अमित का नहीं है। तुमको अपने आप से भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए। कम ऑन या दिलशाद, मैं भी कोशिश कर रही हूँ ना, आई एम ट्राइंग। अरे मगर तुम्हारा भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब देखो तब अंकुर अंकुर स्माइल। जाओ जाओ स्माइल, कितनी अच्छी लगती है जब स्माइल करती हो। हाँ, अरे जब अमित घर आए ना तो ऐसे ही स्माइल करना, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और बातचीत भी होने लगेगी। बात करूं भी तो कैसे, अब तो जब झगड़ा होता है तभी बात होती है। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, सॉरी, रियली सॉरी। कैसे लोग हैं समझ में नहीं आता, पहले मिस्टेक करते हैं और सॉरी बोल के भूल जाते हैं। एक्सक्यूज मी, तुमने बॉटल तोड़ा। देखो मैं आगे पीछे देख के चलता हूँ, चीज को हाथ लगाते हुए 100 बार सोचता हूँ मैं, समझा के नहीं? बॉटल तुमने तोड़ा है, यू विल पे फॉर इट। व्हाट नॉनसेंस, अरे गाड़ो थे गए सालो है ना रे, काय करा? व्हाट, क्या बोला, क्या बोला? गाली काय को देता है? अरे गाली नहीं देता है, बॉटल तुम तोड़ा, यू पे। लिसन, आई वाज होल्डिंग, यू वर होल्डिंग, देन आई लेफ्ट इट। आफ्टर दैट यू लेफ्ट इट। नो, आई वाज होल्डिंग, यू लेफ्ट इट। आई लेफ्ट इट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू लेफ्ट इट। नो नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम ऑन कम ऑन, ट्राई टू बी रीजनेबल। अंकल अंकल, फ्रेंच बोलो। आई एम नॉट योर अंकल, आई एम नॉट योर अंकल, ओके? देवा देना अनीता। एंड व्हाई यू आर पेइंग, व्हाई यू आर पेइंग, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अरे मेरे को अस्थमा है ना, इसे बीच में बीच में। Don't do this. Because of your lady, sir, okay? Sir, please, okay? Please listen to me, sir. Huh? Sir, please listen to me. Please, let me go. Let me go. Let me please, go. Sir. Go, go. Hidimba, Hidimba. Thank you, sir. No, bye. 148 rupees 50 paise, sir. Ye lijiye.
थैंक यू. व्हाट इज दिस? नेक्स्ट. बस अब तुम रहने दो, मैं दे रही हूं. गिव मी माय चेंज. सर मेरे पास चेंज नहीं है, इसलिए टॉफी दे दी. थैंक यू सर. आई वांट माय चेंज. सर मेरे पास चेंज नहीं है. तो फिर उसके बदले में आप टॉफी दोगे? हां, मतलब इसके बदले में हम दूसरा कुछ देंगे तो हमको देंगे आप सामान? हाउ मच इज इट सर? सर ये मैंने 390 रुपए में खरीदा है, मतलब एक का होता है 195. इसके बदले में आप ये ले लो. गिव मी चेंज. गिव मी चेंज. दिस इज माय करेंसी. ओके सर. सर व्हाट हैपेंड सर? क्या हुआ सर? मैंने मेरा चेंज मांगा. शी इज गिविंग मी टॉफीज. एक्सक्यूज मी सर, कितना हुआ? 150. हां ये ले सर, आपका 150. व्हाई यू आर गिविंग मी? शी शुड गिव मी. गिव इट टू हर. गिव इट टू हर. दो ना, तुम दो ना. आपने दुकान खोली है तो आपके पास छोटे पैसे होने चाहिए. दो टॉफी भी सर. ये टॉफी हमारी तरफ से आपके पोते पोती के लिए सर. क्या समझते हैं आप, हर बूढ़ा आदमी को पोता पोती होना जरूरी है? नहीं नहीं, जरूरी तो नहीं है सर. बाय सर. व्हाट इज दिस मिस्टर कुत्ता? देयर री बैग. कम ऑन लेट्स लीव नाउ. सॉरी 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 सर. वो क्या है ना, यहाँ की चाय पिए बिना दिन अच्छा ही नहीं जाता है. हाँ लेकिन आप टेंशन नहीं लेने का, आपका वेटिंग चार्ज नहीं करूंगा. अरे अमित बाबा. ए आमिर. ए माने कारे जमीन पे क्या बात है यार. आंटी हाउ आर यू? क्या सूट वोट पहन के आ रहे? अच्छा है, बहुत अच्छा है. ए माने जा जल्दी अमित के लिए कस्टर्ड लेके आ. अनि सुन, इसका स्पेशल रास्पबेरी सॉस भी डालना. मस्त मस्त. यू रिमेंबर? अरे हाउ कैन आई फॉरगेट बाबा. नो फॉर्मेलिटीज आंटी. अरे सो फॉर्मेलिटीज, यू विल पे फॉर इट. चल बैठ जा. ए माने ए कस्टर्ड खाता कि लाता है? ए पांडू लुच्चो साला. लास्ट टाइम रिपेयर किया, बरोबर पैसा लिया, आज अपन लीक होता है. क्या करता है रे? करता है मैडम, कर तो देखना. अमित जब देखो तब पैसा लेकर चला जाता है, बरोबर रिपेयर भी नहीं करता. जगह आपने कमाल मेंटेन किया हुआ है आंटी. जस्ट अ फ्यू चेंजेस ना एंड दिस प्लेस विल रॉक. जस्ट ये टीवी. अरे ये टीवी शीवी हटा दीजिए एंड ब्रिंग इन अ नाइस एलसीडी. ओपन किचन रखिए आंटी, इट विल गिव एन इंटरनेशनल लुक एंड फील. और ये कस्टर्ड की जगह पे ट्रूफल. और ये पाव शाव हटा दें, लेट्स ब्रिंग इन द क्रोसॉन एंड यस सुपरमैन. You need to change in uniform, okay? अरे बात तो बराबर है. पैसा कहाँ से लाएगा? पैसे आएगा आप बैठे. Don't worry, आप बैठे. दिलशाद आंटी, same old दिलशाद आंटी, no change. आंटी, मेरी कंपनी है ना ब्लू बेल्स. वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत पैसे हैं उनके पास. Really? उन्होंने मुंबई में 10 जगह मार्क करके रखी है कैफे खोलने के लिए. अच्छा? अगर आप हाँ कहती है तो मैं लकी कैफे का नाम भी जोड़ देता हूँ लिस्ट में. आंटी वी हैव गॉट such a beautiful place. कम से कम 30-35 करोड़ तो मिलेंगे definitely. 35 crore. Maybe even 40 आंटी. Only the best for you. आप आ कहिए. एक दिन में आपके बैंक अकाउंट में चेक डलवा दूंगा. ओए खुदा. Yeah. 35 crores? अरे बोलने क्या करने का है? बेच देंगे आंटी. लेकिन don't worry, मैं उन्हें convince कर दूंगा कि दो चीजें यहाँ से नहीं जाएंगी. एक अपना ग्रामोफोन और दूसरी वेरी ब्यूटीफुल दिलशाद आंटी. यू कैन स्टिल मैनेज द प्लेस आंटी. अरे व्हाट आर यू सेइंग बाबा, मैं तो अब भी इधर का मैनेजर हूँ. आंटी बट 35. एक मिनट. हाँ फोन. ए मानिक टेक द फोन. तुम ठीक बोला अमित, तुम ठीक बोला. इधर एलसीडी टीवी नहीं है, फर्नीचर पुराना हो गया, इंटरनेशनल किचन नहीं है, मेरा स्वामी के पास यूनिफॉर्म नहीं है. मगर सच्ची इससे मेरा और मेरा कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. हेलो कूल एंड क्लीन. अरे बाबा दिस इज नॉट कूल एंड क्लीन स्टूपिड. अरे यहाँ इतना सारा लोग आता है अमित, जिनका दिन का शुरुआत इधर का ब्रून पाव और चाय से होता है. बोलो. हाँ एक घंटा. थैंक यू. बोलो किधर जाएगा? और मेरा कॉलेज का बच्चा लोग, उनके लिए यहाँ लाइब्रेरी है, साइकिल हायर पे मिलता है, कंपाउंड है. स्ट्रीट स्कूल के लिए बच्चा लोग इधर आता है. तुमको डच ट्रूफल ही खाना है तो कितना सारा 5-star होटल है, उधर जाके खाओ ना. ए तुम कस्टर्ड नहीं खाया? कम ऑन ईट इट. सॉरी आंटी आपको बुरा लगा. अरे नहीं रे बाबा. ऑफर अच्छा है, एक बार सोच लीजिए आप. माने काय को टाइम वेस्ट करता है? वो दे देगा ना पैसा. चल जा जा. आंटी कल दे देना. अरे कल पैसे ले लेना. अमित काय को टाइम वेस्ट करने का बेटा, जो नहीं हो सकता उसके बारे में काय को सोचने का. हाँ जी. ए अमित दिख रहा तू बहुत बिग बॉय हो गया. ताड़ी मूछी. अनीता खाना नहीं देती क्या? एकदम सुकड़ा. लेट हो रहा है, काम पे जाना है ना. जा जा जा. वर्क इज इम्पोर्टेंट. अनीता को बोलना केक बनाया है, शाम को भेज देना. और अंकुर को भी. बाय.
You're the sweetest thing I've ever seen. Na 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 na. Hey, Nani, your calf is really cool. अरे मारो निक्रस के किलो मट्टा नहीं गया, मट्टा नहीं गया. This is for you. Pampa. Dikruz, you told me na pamper me. Abhi pehen le. Sir, Sharma ji bol raha hu. Wo aapko home loan diya tha na. Sir, kisi aur loan ki zarurat ho to batana. No, thank you. Koi mar bhi raha to puchenge loan chahiye. Sir, your order please. Humne order kar liya. Tum karo na. Ala large salad, spicy. Okay. Got to be edible, huh? Okay. Thank you. Salad. Yeah, salad. Shiva 41, that of a massive heart attack. वैसे भी कोलेस्ट्रॉल के चक्कर में इंडिया नंबर वन है. सो बेटर सेफ देन सॉरी. तुम्हें अजीब नहीं लगता आजकल बात करने के लिए सवाल पूछने पड़ते हैं? सॉरी. यू नो व्हाट, आई फॉरगॉट टू टेल यू. तुम्हारे दिलशाद आंटी को मिलने गया था उनके कैफे. मेरी कंपनी उनका कैफे खरीदना चाहती. They've offered her a serious amount of money. मैंने भी दिलशाद आंटी को समझाने की कोशिश की, but she just doesn't understand. Silly, very silly. You know, you should talk to her. शायद वो समझ जाए और she'll lose out. 35 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है Bluebells. What? Yeah, seriously, 35 crores. And I thought this was. Thanks. Sir, your salad. Thank you. Spicy. मुझे लगा ये एक फैमिली आउटिंग है, पर तुम्हारे लिए तो फैमिली भी बिजनेस ही है ना. I don't believe this, Anita. Why do you jump to conclusions? God. देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी दिलशाद आंटी के फायदे के लिए कर रहा हूँ. 35 crores is a hell of a lot of money. She can retire. और फिर अगर मैं ऑफर नहीं देता तो कोई और ऑफर देता. Will you be upset even then? Stop it, Amit. Please. What do you mean? Oh, the hell do you okay. think you're doing? No problem. I'll take care, sir. रहने दो अमित. बच्चा है, हो जाता है. बच्चा है तो बच्चे की तरह बिहेव करे. पूरा दिन उस दिलशाद आंटी के कैफे के लाइब्रेरी में पड़ा रहता. He should be out playing. It's okay. Don't create a scene, Amit. कल से तुम दिलशाद आंटी के कैफे नहीं जाओगे. You get it? गधेरा माफिक दौड़ता है. आईज की बटन है. सॉरी, कैन आई हेल्प यू मैम? हाँ, कैन आई हेल्प यू? हाँ तो लेना. थैंक यू. यू मोस्ट वेलकम मैम. अरे तुम इधर का नहीं लगता दिख रहा, बहुत जेंटलमैनली है. देहरादून का हूँ, एक साल के लिए आया हूँ मुंबई मास कॉम करने और फिर फौज. मास कॉम की फिल्मी चक्कर. No whistling in the cafe. Hey Jimmy, English नहीं पढ़ने को आता? पाँव नीचे. अरे sorry ना लेकिन डेलू मम्मी. Good morning everybody. क्या जगह है दोस्तों? हाँ,
ये कौन सा कुमार है? अपना जगजीत सिंह, आई लव जगजीत सिंह। आशा भोसले। ए बट आई लव जगजीत सिंह नो। अरे क्या खाएगा पिएगा? आज का दिन तुम्हारे लिए फ्री फॉर बीइंग सच अ गुड जेंटलमैन। थैंक यू मैम। वैसे पैसे हैं मेरे पास, अगर एक लीटर दूध मिल जाता तो। मैम दूध इज बेस्ट इन एवरी सीजन, और पियो दूध फॉर हेल्दी रीजंस। आई लाइक दैट। यहां दूध लीटर से नहीं, ग्लास से मिलता है। तो चार ग्लास दे भाई। गरम या ठंडा? गरम। मलाई मार के या बिना मलाई मार के? भाई बिना मलाई कोई दूध नहीं होता। और कुछ माने? कुछ कुछ माने कुछ। हां कॉम्प्लान डाल देना। कितनी चम्मच माने? मेरे को क्या पूरा डिब्बा दे देगा? पागल हो गया है। कौन सा दया अपना। सलमान ने ऑर्डर वाले टी शर्ट भेजा है और साथ में पप्पी पप्पी कुत्ता। मिस्टर बिक्रम जी मेरे को फटाफट अखुरी बाग खुला। स्विट्जरलैंड में 2 महीने तो सबके लिए कुछ, मेरे को भी तो पूछ। व्हाटएवर गाइस, राघव आया था क्या? तुम्हारे जाते राघव भी गायब। ओह माय गॉड, बट आई लव यू। लुकिंग थैंक यू थैंक यू। हे माइकी, आई चैट, व्हाट अ लाइफ यू लीड मैन। पूरा दिन शाहरुख खान के साथ रह के बबुशका बबुशका। आउच अखुरी पाव। आई एम सलमान खान विदाउट मसल। क्या लाइन लिखी थी तुमने, इट्स अमेजिंग। लिखती मैं हूं, बोलती प्रीति सर। तो बोलेगी भी नहीं, यू आर द एड क्वीन। एक्सक्यूज मी शालिनी जी। एक्सक्यूज मी शालिनी जी, आई ये बबुशका बबुशका लाइन आपने, आई मीन दिस इज व्हाई एडवर्टाइजिंग इज ऑलवेज फैसिनेटिंग मी। मतलब आप लोग 15 सेकंड में जो है लोगों को एक सपना बेच देते हो, एंड व्हिच इज मतलब व्हाट वर यू थिंकिंग मैम जब आप ये लिख रही थी बबुशका बबुशका, आपके दिमाग में क्या? शालिनी, मिस शालिनी, अपन कौन? फ्रेशर बच्चा, फौजी फच्चा है। फ्रेशर। यस मैम। शशल एड शर्ट चल फच्चा। फच्चा। ये क्या कर रही हो? अरे शर्ट, अरे मैम नहीं, द पैंट्स। सो बैड, डोंट मेस विद मी बॉय, यू आर नॉट सो हॉट एंड आई डोंट वांना बी योर टॉय। Cafe,
So we're getting the place, right? Amit, क्या हो रहा है जगह का? हमें मिल रही है ना? Working on it, sir. We'll get it. Amit? Yes, sir. Yeah, David. Very soon. Very soon. Very soon. Ah, great. In there, chair. Right on, man. ये साइकिल चलाने का जगह है। You working on the road? चलना है तो पेमेंट में चलो। तू मेरे को सिखाएगा किधर चलने का? साइकिल चलाना है तो घर में चलाओ, पार्क में चलाओ। Take it easy, mate. Mate? I'm not your mate. लग इधर आओ। नानी, 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 Take it easy, mate, idiot. सॉरी मैम, एक्चुअली वीकेंड शूटिंग के बारे में आपसे बात करनी थी। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है शालिनी? वैसे भी तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है, पता है ना लास्ट डेट पास आ रही है। मैम मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर देती लेकिन वो जिमी ने जिमी अब जिमी से प्रोजेक्ट खरीदने का इरादा है। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो जी। मॉर्निंग मैम। एक्चुअली शालिनी, फाइनल असेसमेंट से पहले अगर प्रोजेक्ट नहीं आया तो आई नो मैम, मेरा एक साल ड्रॉप हो जाएगा। करेक्ट। और हाँ, उस जिमी से जरा दूर ही रहना। ओनली स्पेल्स ट्रबल। यस यस मैम। वो प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज। मैम लकी कैफे देख के मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना हम मुंबई के हेरिटेज साइट्स पर एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन तैयार किया जाए। मैम क्या सर? नॉट अ बैड आइडिया, वेरी गुड विक्रम जी। और इसमें शालिनी तुम्हारी मदद कर सकती है, इससे बेहतर मुंबई और कोई जानता ही नहीं। क्यों? श्योर मैम। गुड प्रोजेक्ट। यस मैम। लो जी, हो गया काम अपना। देख फचा, मेरे साथ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, समझा? मैं तेरी कोई मदद वदद नहीं करने वाली। चल पतली गली से खल्टी मार। खल्टी? ओ जी आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी करूँगा, दिक्कत ही क्या है इसमें। ओके, जिमी से मेरा प्रोजेक्ट वापस ला सकते हो? जी नहीं। सो मदद एंड ऑल, चल खल्टी मार। खल्टी? क्या खड़ा है इधर, चल खल्टी मार। भाई ये खल्टी क्या है? व्हाट इज खल्टी? Is he the same fellow? Hello. अभी क्या चाहिए तुमको? अरे सो मैनर्स है। वो मेरे ग्रैंडसन का साइकिल है। मालूम है तुम्हारे ग्रैंडसन ने क्या किया? Demented. क्या किया? ये देखो, ये मेरे माँ बाप का फोटो है। दो ही है nice. ये देखो, उस दिन मैं लेके जा रहा था, तुम्हारे पोते ने साइकिल का धक्का मार दिया, पानी में गिरा दिया, खराब हो गया। अभी ये हु कैन रेक्टिफाई इट? आई कैन डू इट। यू कांट। ऊपर से मेरे को सिखाता है रास्ते पे कैसे चलने का, फुटपाथ पे कैसे चलने का। टेक इट इजी माइट, नालायक। नालायक काय को बोलने का, बच्चा है। मैनर्स नहीं है, फैमिली में ही मैनर्स नहीं है, कैसे सीखेगा? दैट डे यू ब्रोक दैट बॉटल एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ओके, अब जाओ इधर से। ओके, अरे कहीं भेजू छे के नहीं? आई मीन साइज कोई डिफरेंस है कि नहीं? तुम्हारा साइज उसका साइज। अरे बच्चा है, माफ कर दो ना। क्या? प्लीज साइकिल दे दो। नहीं साइकिल नहीं मिलेगा, अब जाओ पुलिस में जाओ, जो करना है वो करो ना, पैसे मत। अरे मिस्टर सुब्रमण्यम, आई मीन ही इज अ चाइल्ड, तुमको तुम्हें को समझ नहीं आता है? ए सुब्रमण्यम बी एलएलबी, ये सब बंद रखेगा तो हवा किधर से खाएगा? अच्छा। बहुत सुंदर है आपके।
ओह शिट, आंखें बंद करके बैठी है ना मिसेस पांडे, मैं आया। नाइस गेम आ। कौन चला गया? जिम्मी, जिम्मी, जिम्मी आ जाओ नहीं तो मैं आंखें खोल दूंगी। हाँ मैं एक शब्द और सुनना नहीं चाहता। सर, सर, प्लीज सर। तुम सच नहीं बोलोगे ना कि आंटी को कौन लाया यहाँ पे? मैं नहीं लाया सर। गेट आउट आई सेड। सर लेकिन सामान के साथ बाहर निकलो। चलो। अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया यार। नहीं है। चलो। अरे मैंने कुछ किया ही नहीं यार। आपका आगमन का समय बिल्कुल ठीक नहीं है। कौन सा समय यार? बाहर में क्या समय? जो लाया उसको पकड़ो। फिर कौन लाया उसे? मुझे नहीं पता कौन किसको लेकर आया। मान गए फच्चे, जी में दम है तेरे, ना उम्र की सीमा हो, जब प्यार का हो बंधन। जगजीत सिंह, आंटी पसंद आई तेरे को? अरे तू क्या है, सब मुंह लटका के बैठा है? तेरे को सिर्फ हॉस्टल से बाहर निकाला है, कॉलेज से नहीं। एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है भैया, लेटर जो तेरे ब्रिगेडियर बाप को भेजा जा रहा था ना, उसको मैं डिस्पैच क्लर्क को वापस दे देता हूँ और अपने घूस के पैसे वापस ले लेता हूँ। ये आप ब्रिगेडियर को क्यों? मोहे आई ना जग से इलाज, मैं इतना। आई लाइक जगजीत सिंह। दैट्स पंकज उदास। देन व्हाई आर यू बीइंग उदास? लेटर है मेरे पास। जिमी आजा आजा आजा। फौजी फौजी फौजी। बस क्या यार, कमाल का शहर है, सर के सारे ओके। रफ फाइल वाली के लिए इतना कुछ अच्छा है ना? उम्र की गुड मॉर्निंग सर। दूध लाओ। क्या है? साहब जी पेंगेस के लिए आए हैं। जिमी। विक्रमजीत सिंह सर। बैग दिखाओ। साहब जी मैंने चेक कर लिया। चुप। बैग खोलो। खोलने बाबा, खोल दे यार। क्या है इसमें? किताब। और क्या? सेंट है ये बग। ठीक है। साइकिल देख। तुम दोनों में से पेंगेस कौन है? ये मैं हूं सर। मुझे कैसे मालूम तुम गंडा नहीं है? अच्छे घर का है। मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू हिम, यू जस्ट कीप क्वाइट। जाओ दरवाजा बंद करो। क्या मुझे किधर है तुम्हारी? मैं कैसे समझू अच्छा है बुरा है? अच्छा है सर। अच्छा अच्छा है। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ। नो गेस्ट फॉर पेइंग गेस्ट। 5,000 रुपया भाड़ा, एक वक्त का खाना मेरे साथ खाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। चल। उस कमरे में जाने का नहीं, ये मेरा है, ये तुम्हारा होगा। साइकिल पोते का कमरा बेटे का दोनों में। What did you say? Sorry sir. I don't like sorry. Right uncle. Damn well I am right and I am not your uncle. No sorry no uncle, याद रखना। मैं आज ही शिफ्ट होना चाहता हूँ सर। एडवांस? जी। ये पास से एक दक्षिणा है? Just. 2 महीने का एडवांस 10,000 रुपये। मनी ऑर्डर नहीं आया, आता ही होगा। तो आने के बाद आना। जी वो मनी ऑर्डर भेजने वाले थे कि पता चला इसकी माँ को क्या हुआ? माँ को अटैक ना। आई एम टॉकिंग टू हिम नॉट टू यू, जस्ट कीप क्वाइट, गेट आउट, स्टैंड आउटसाइड। क्या हुआ माँ को? इस वक्त तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग हियर? मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर। मैं भी हूँ, इसलिए बचे हुए 9,499 रुपये लेके आना। अपना एक फोटोग्राफ, परमानेंट एड्रेस का प्रूफ लाना। मैं सामान लेके आता हूँ सर। हाँ, रूम खुद साफ करना होगा। जी सर। पढ़ा हो सके तो मुझे बढ़ाना। इडियट। गाइस, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट किंगस्टन हेडलाइंस और नॉट? आर्मी फच्चा कॉट इन जिमीज रूम विद आंटी। वेल वेल वेल, जिम्मी के साथ रहेगा तो और होगा क्या? एग्जैक्टली एक्चुअली बेचारा फच्चा मुंबई दर्शन से पहले ही अटक गया। और आंटी के चक्कर में
पूरा ही भटक गया। कृपया ध्यान दीजिए, ये आपके लिए दे गए हैं मेरे मित्र बंटी जी। ये बंटी जी कौन है? बंटी जी विक्रमजीत सिंह। ओह माय गॉड, व्हाट गट्स, बैग एंड ऑल। प्लीज इसको खोलना मत, पता नहीं अंदर क्या रखा होगा। प्रकल्प पुस्तिका। डूड हिंदी में बोल। प्रोजेक्ट फाइल शालिनी जी के लिए। फाइल? बोलती है जो बच्चे अपनी गलती पर सॉरी बोलते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, सो आई एम सॉरी। एक मिनट। जितना गुस्सा हम अपने अंदर रखते हैं उतने ही बुरे हमें सब लगते हैं। ग्रैनी सेज दिस, एक्चुअली इट वाज माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। No! जितना गुस्सा हम अपने अंदर रखते हैं उतने ही बुरे हमें सब लगते हैं। थैंक्स माइक। ओह सॉरी सर। Thank you. Bill. क्या चाहिए? अरे क्या मांगता है? बुक खरीदने का है। अंदर है, जाओ जाओ, टैक्स नहीं लगता है। पात्रानी मच्छी, सल्ली बोटी, नो होम डिलीवरी। हाँ मोकलो ने। हाँ ठीक है। अरे बाबा, बुक का बहाना काय को बनाने का, कॉफी का बहाना अच्छा है। हे माने कॉफी ला। हाँ लायो। स्पेशल। कोई बहाना नहीं है। मेरे माँ के हाथ के कॉफी के बाद मुझे दूसरों के हाथ की कॉफी अच्छी नहीं लगती। उन लोगों पर केस करना चाहिए जो ब्राउन वाटर को कॉफी कहते हैं। इट्स एन इंसल्ट टू कॉफी। अच्छा चल पी ले। अरे बाबा पी लो, पियो पियो, स्पेशल है, डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ अभी मेरे को लॉयर रखना पड़ेगा। नो इट्स गुड गुड, लेकिन मैं इससे अच्छी बनाता हूँ। हाँ तो फिर मेरे को सिखाना, आई मीन अगर टाइम होगा तो। लुक मैडम। दिलशाद। हाँ जो भी है, आपको मालूम है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ वो साइकिल वापस करने। नो, लास्ट 30 ईयर्स में मैंने जो नहीं किया वो करने आया हूँ। आपने अपने पोते के साथ जो लिख के भेजा था मैंने सब पढ़ा है। आप बहुत झगड़ालू किस्म की औरत है। That day also you broke that bottle and unnecessarily started fighting. I don't want to talk about anything. I don't want these books, okay? Badal raha hai. You know Romans?
जब वो जंग जीतते थे ना तो गांव में आग लगाकर उसके इर्द गिर्द बैठकर जश्न मनाते थे। नाइन डाउन वन टू गो। आंटी का क्या वो? सर वो यू नो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू, इट्स लाइक अ बंजी जंप। एक बार तुम कूद जाओगे तो खुद को रोक नहीं पाओगे। इधर यू अप और यू डाउन। और तुम्हारे केस में तो मैं चाहूंगा कि तुम माफी रहो। यू नो वक्त बदल रहा है, एवरीबॉडी इज मूविंग अहेड, किसी के पास किसी के लिए कोई वक्त नहीं है। यू हैव टू मूव ऑन, यू आर अ गुड वर्कर अमित। अरे यार आंटी से बात करो, आई मीन यूज प्रेशर, पैसे दो, डू समथिंग। अमित यू आर माय मैन, यू कैन डू इट एंड आई डोंट वांट टू लूज यू। हेलो हेलो सर, शर्मा जी बोल रहा हूं, आपको और लोन चाहिए? दोबारा अगर फोन किया ना तो साले फोन के अंदर घुसकर तेरे को कुत्ते की तरह मारूंगा, समझा? हेलो शलिनी जी। क्या व्हाट फचा? अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो? आर यू ट्राइंग टू अर्न सम ब्राउनी पॉइंट्स हियर? हेलो आई एम टॉकिंग टू यू। तुम्हें मेरे लिए सब करने की जरूरत नहीं थी, और जिमी को मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। ओके तो ये कहने आई आप यहाँ? तो ठीक है जी, नहीं करते अगली बार। व्हाट? देखो अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ तो यू आर सैडली मिस्टेकन। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में थैंक यू वर्ड है ही नहीं। और रही बात हिसाब की, आई स्कोर इट इक्वल। ऑलराइट वैसे कमाल है जी आप। एक मेरे लैंडलॉर्ड है जिन्हें सॉरी से तकलीफ है, और एक आप है जिन्हें थैंक यू पे गुस्सा आता है। क्या ये? व्हाटएवर वॉचमैन, ये कॉरिडोर का लाइट चेंज क्यों नहीं किया? हैं? तुम सलाम ज्यादा मारता है, काम बहुत कम करता है। मैडम आपकी फाइल ने मुझे वहां से निकलवाया, आप मुझे यहां से निकलवाएंगे, प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। विक्रम विक्रम। हेलो सर। ये दरवाजा क्यों खुला है? दूध वाला आया था सर। अभी लेट 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 हो गया सर आज। लेट जल्दी आ गया सर आज। क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है? लेट था सर, लेट टुडे ही वाज लेट सर। ये क्या कपड़े पड़े, घर है धोबी घाट है, क्या है ये, क्या करके रखा है? कुछ नहीं सर, मैं करता सर, आप आराम कीजिए सर। मतलब आप ही का घर है सर, आप जो चाहे करें सर। काफी हैंडसम लग रहे सर आज आप। Am I? Yes, sir. कसरत वसरत तो जाते वक्त दरवाजा बंद कर लेना। पकड़ लिया सर, I've got this too, so just in time. कार्ड माधुरी पहुंच। आई प्लीज आई। Ouch! आई गो। पागल हो गए हो क्या तुम? Twisted. लगी क्या? पागल हो गए हो क्या तुम? कोई नहीं, थोड़ा सा मलिए और काम पर चलिए। तुम क्या हमेशा ऐसी बात करते हो? अब क्या करूं शलिनी जी, ये प्यास है बड़ी। वन मिनट मैम, अ गिफ्ट फॉर समवन इन कॉलेज। थैंक यू। अब तो मुझे मुंबई घुमाएंगे ना आप? फाइल ला तो दिया आपकी? हिसाब बराबर कर तो दिया मैंने, तुम्हें गुंडे से बचा लिया। एक्सक्यूज मी, राजगोपाल सुब्रमण्यम, नॉट बुड्ढा। ठीक है, सोचूंगी। मैंने पहले ही कहा था पेइंग गेस्ट के लिए गेस्ट अलाउड नहीं है, दोबारा ये मिस्टेक मत करना। कॉफी पियोगे? यस सर। तुम्हारे लिए बना और मुझे भी दे दो। पापा आप मुझे पहली बार स्कूल से लेने आए हो ना? नहीं बेटा, एडमिशन के लिए कौन आया था आपके साथ? पापा ना? चलो लेट्स स्पेंड द डे टुगेदर। या There we are. Wow, Dilshad Aunty's cafe. आज पापा को होमवर्क करना है, shall we? चलो, let's go. चलो, come on, go get your books. Hey, uncle. Hi, Dilshad Aunty. अरे,
चॉकलेट फॉर माय प्रिंस। थैंक यू। आई अमित। बेटा तुम्हें किताबें चाहिए थी ना, गो गेट योर बुक्स। गो। पर मुझे तो नहीं चाहिए पापा, आप ही तो कह रहे थे कि आपको होमवर्क करना है। बेटा वो कम ऑन गो देख लो। अंकुर बेटा नया कॉमिक्स आया है, जाओ देखो। थैंक यू दिलशाद आंटी। मालूम है तुम यहाँ क्यों आया है? ये शहर बहुत बड़ा है अमित, तुम्हारा कंपनी को बोलो कि दूसरा जगह ढूंढने को। आंटी लकी कैफे इज नॉट फॉर सेल। आंटी एक बार और सोच लो। फाइन 45 क्रॉस, और आपके लिए जगह मैं खुद ढूंढूंगा, इज दैट ओके ना? अरे एक का एक बात तुमको कितनी बार समझाने का, यू डोंट अंडरस्टैंड, लकी कैफे इज नॉट फॉर सेल। देखो अमित, अमित तुम यहाँ आ सकता है, बट नाउ ओनली एज अ गेस्ट। अंकुर। हाँ पापा। बेटा गाड़ी में बैठो, चल दे। अमित 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 आई एम सॉरी सॉरी। मैं और अनीता भी यहीं मिले थे, मुझे भी कई शिकायतें थी आपसे, आपके इसला के कैफे से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ वापस आया सिर्फ आपके लिए, आपके फायदे के लिए, आपको मेरी कंपनी से बचाने के लिए। यू हैव नो क्लू, नो क्लू वो लोग क्या कर सकते हैं आंटी। उप्स सॉरी 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 सॉरी, नो आंटी नो आंटी, आई एम अ गेस्ट राइट? फाइन दिलशाद रानी, आज के बाद यहाँ जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। लकी कैफे इज गॉन, 40 दिन है आपके पास, सेव इट, बचा लो। अमित ट्राई करोगे यार? और क्या कर सकता हूँ यार, कितना खुश था यार जब मैंने 4 बेडरूम का फ्लैट लिया, बहुत खुश। थोड़ी फट भी रही थी लेकिन अब कंप्लीटली। अबे नागपाल, किंग कोबरा की बच गई, तू तो कंपनी का सीईओ है यार। सीईओ तो क्या हुआ यार, जो दिखता वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। नाउ लुक एट यू hot shot photographer, tujhe teri naukri se koi nikal sakta hai? No way, but with us you never know when a new kid comes on the block and boom, you're out of your job. Let's break up the party boys. Ek gaya dooja aayega phir teeja ho जमेगा हो छोड़ो छोड़ो परेशानी होती है ये आनी जानी कहीं से शुरू हो जिंदगी वही जो बीते ना फिकर करके लूट लूट ले यारा लूट जो है प्यारा लूट सब तुम्हारा लूट लूट ले यार कॉलेज में तो बड़ा स्टार्ट हुआ करता था। सांप पिटारे में बंद है या किंग कोबरा में अभी भी जाना है? अरे यार उम्र हो गई देख ना। अरे
रातों के चेहरे पे एक नई सुबह का नाम लिखा, हाँ हर सुबह के माथे पे कब आएगी शाम लिखा, होना है जो होना ही है, पाना है तो खोना भी है, कभी है दिन आते कभी है खाली राते, दोनों ही खड़े हैं दर पे। इलेक्ट्रिक बिल बढ़ गया, टेलीफोन बिल बढ़ गया, रेल ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, लेकिन मेरा पेंशन नहीं बढ़ा, उतना ही है। तेरे को क्या टेंशन? ऊपर आराम से रहने का। ये जवाब संभाल, वो घर मेरा है, समझा ना? मेरे घर में मैं रहता हूँ। शटका फुकट का खाने का। इससे बात करके कुछ फायदा नहीं। पागल हो गया तू? जक्सेस, तुम क्या बोला उसको? दिलशाद, मैं तो खाली मस्करी कर रहा था। तेरे को बोला ना उसके साथ मस्ती नहीं करने का? चल जा यहाँ से। देखो अमित, तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो चाहे करो, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर प्लीज अपनी फैमिली को अपने बिजनेस से दूर रखो। तुम व्हाट यू मीन? मतलब तुम्हें दिलशाद आंटी तक पहुंचने के लिए अंकुर का सहारा लेना पड़ा? यू ब्राइब्ड अंकुर? तुम कर क्या रहे हो अमित? और तुम उनसे क्या छीन रहे हो? तुम हमसे क्या छीन रहे हो? हमारी शुरुआत वहां से हुई थी। We met there, damn it. किसी से कुछ नहीं छीन रहा। अगर वो हमें कैफे नहीं देंगी, I'm bloody finished. वो तक। God, Anita, this is business. अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीद लेगा। किस किस को रोकोगी तुम? हाँ? Listen. We are paying her money. Free में मैं कुछ नहीं। Damn the money! कब समझोगे अमित? ज़िंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ पैसे ज़रूरी नहीं हैं। There's something called a family. You have us. Cherish us, Amit. Cherish us. Cherish what? And where is the family, huh? I don't see no family. Oh, you mean मैं और तुम family? क्या किया हम दोनों ने साथ पिछले 4-5 सालों में? जामे जाओ, ये मत करो अमित, वो मत करो। रिलैक्स यार, रिलैक्स, ब्रीद, हमें भी सांस लेने दो, ओके? नो अमित, क्या चाहती हो तुम? यही कि हम वापस उस वन बेडरूम किचन में चले जाए, उस रैट होल में? एंड ऑफ कोर्स, वैसे भी तुम वहां मेरे साथ खुश नहीं थी ना? Huh? What? अब इसके लिए तुम्हें औरों के पास जाना पड़ रहा है। सुनो, देखो, वैसे कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो, okay? It's nothing like that. You are sick. It's nothing like that. You need help, Amit. Anita, I've been stressed, यार, तुम जानती हो। हैरी मिला था, हम क्लब गए थे, मैंने तुम्हें फोन भी किया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, as usual. एक आध ड्रिंक पी हम लोगों ने, I danced, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रही हो। मैंने कुछ नहीं किया, I promise. क्यों नहीं किया अमित? हाँ, किसने रोका था तुम्हें? कर लेते जो करना था। क्योंकि मैं एक बच्चे का बाप हूं,
एक जिम्मेदार इंसान हूँ, you get it? तो तुम्हें प्यार ने नहीं, जिम्मेदारी ने रोका था। या अनीता? क्योंकि प्यार तो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। Do you see it? अगर हम तुम्हारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है, तो मुझे नहीं लगता हमें एक साथ रहना चाहिए। आधी अधूरी कितनी बातें, पूरा होने को तरसे आजादी, अब चाहता है दिल तेरी जुदाई के डर से। एक पल में कह दूंगा सारी जो बातें ना अब तक कही, तुम मिलो तो सही। दिलशाद आंटी। हाँ बाबा, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? I'm so sorry. अमित से झगड़ा हुआ? हाँ बेटा, छोटा छोटा झगड़ा में बैग वैग ये सब मेरे घर पर। तुम जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ। मैं समझाती हूँ ना अमित को, जाओ अंदर, जाओ, गो 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 इनसाइड, मैं बात करती हूँ ना अमित से, जाओ जाओ। मानिक छोड़ो, ये ले। अमित, क्या हुआ? तुम ये सब क्यों करता है बाबा? मेरी बीवी को तो आपने छीन लिया, मेरे बेटे को भी। Why? ये हमारा पर्सनल लाइफ है, पर्सनल, do you understand, lady? तुम घर चले जाओ, प्लीज लीव नाउ। आई डोंट बिलीव यू। ऐसे नहीं जैसे तुम सोच रही हो, घर के प्रॉब्लम्स को रास्ते में मत लाओ, ओके? I love you, ओके? Come with me. Sorry. Come, let's go home. Come. Come. रास्ते पर तुम ला रहे हो हमें, वो घर तुम्हारा है, मेरा नहीं। So you go home, Amit. अपने घर जाओ। अनीता, तुम घर जाओ, जाओ बाबा, घर जाओ। Shh. You stay out of this, okay? No more of your sentimental shit. तो तुम घर, oh sorry 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 sorry, तुम मेरे घर नहीं आओगी, right? Fine. Fine. Happy? Dilshad, I'm very sorry for all this. हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। It's okay, Baba. जाओ, अंकुर के पास जाओ। जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, हाँ हुनर देता है, हाँ वही शख्स बिछड़ने का भी डर देता है, हाँ डर देता है। वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है,
प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में, प्यार भर देता है उड़ने की तमन्ना दिल में, और मेरे पंख भी पत्थर के वो कर देता है, वो जो बेखौफ मोहब्बत का हुनर देता है, हाँ हुनर देता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिस्टर मेहता उस कैफे के असली ओनर मिस्टर जुबिन ईरानी को मरे 30 साल हो चुके हैं। मरने से पहले उन्होंने ये कैफे दिलशाद नानजी के नाम नहीं किया था। अगर किया भी होगा तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा क्योंकि उसे रजिस्टर नहीं किया गया। जुबिन ईरानी के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके परिवार वालों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनके परिवार का कोई रिकॉर्ड नहीं, और क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की इसलिए मेरा ये कहना। यार मिस्टर सूद, प्लीज कट आउट ऑल दीज टेक्निकलिटीज, आप सिर्फ इतना बताइए कि ये कैफे मुझे कब मिलेगा। नो 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 मिस्टर मेहता, देखिए इतना आसान नहीं है। लुक, दिलशाद नानजी उस कैफे की मालकिन नहीं है, दैट्स फाइन, लेकिन वो अपने आप को किराएदार यानी कि टेनेंट बाय एडवर्स पोजेशन साबित कर सकती है, और काफी आसानी से, क्योंकि हमारे लॉ के मुताबिक अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के कब्जे में हो 12 साल से ज्यादा बगैर किसी ऑब्जेक्शन और क्लेम के, तो उसे वेकेट करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मिस्टर सूद, जुबिन ईरानी का एक भाई भी था, दिनशाह ईरानी। We get him, we get the cafe. Ippa yaar vandirka. Dekhta kya hai, darwaza khol na. Madam, vanga, vanga. Come, come, come. Ay. Hey, Subbu. Welcome. Ye tera vaste. ये क्या है, आज मेरा बर्थडे तो नहीं है। तू बमा बम किया? नहीं। क्रम्बल किया? नहीं। तो नया सुबह का जन्म हुआ। हैप्पी बर्थडे सुबह। थैंक यू। कॉफी पिला। एक मिनट, वो चप्पल उतार, वो पहन लो। सॉरी। You look like your father, huh? Huh? Thank you. देखो, एक बार try किया, simple technology, Photoshop. You said I can't do it, कर दिया ना, देखो. This is called great coffee. एक घुट पिया सब sadness gone. मेरा अम्मा सिखाया. एक BLLB, तुम doctor भी है? नहीं, मैं LLB है. वो मेरा माँ भी मर था ना. तो मेडिकल का बुक पढ़ता था मैं माँ से मिल सकती हूँ? मिलना है? हाँ हाँ। माँ गुजर गया, 11 साल हो गया। सुबह? हाँ। हाँ, मैं भी कभी छोटा था ना। तुम वायलिन बजाता है? हाँ, माँ के लिए बजाता था, तकलीफ कम हो जाती है। अरे तो फिर कुछ, कम ऑन कम ऑन, अरे चल ना। You've been a good son, Subbu. कितना प्यार करता है अपना माँ को। लकी मामा। Thank you.
तुम जाओ। हाँ तुम जाओ। Happy birthday to you. ए बजाना ताली। Happy birthday to you. Happy birthday to you. ए आतिश। ए बाहर वो मानव गोपाल विजय सबको खिलाया क्या आतिश? Happy birthday जगजीत सिंह। मोहम्मद रफी जी खबर नहीं थी आपका हैप्पी बर्थडे आज। मेरा नहीं यार, तेरी गर्लफ्रेंड और तेरी होने वाली भाभी का बर्थडे है, तूने विश किया क्या? शालिनी जी का बर्थडे आज। इना लड़कियों को ऐसे सब बॉडी और इस सब से इंप्रेस नहीं किया जाता यार, गुड लुक्स एंड ह्यूमर मेरे पास दोनों है इसलिए तुझे बता रहा हूँ। तू जा ये सब चेंज कर, अच्छे से नहा धो के उससे जाके मिल बिना स्मेल के, और रोज लेके जाना। हाथ दिखा अपना। Guys, thanks, yeah. Thanks. Thank you so much. Thanks. Yo, ji. Hi, thanks. Hello, Shalini ji. Happy birthday. Wow, fatta. बहुत हुआ कट कट के जीना, बहुत हुई नाराजी, ऐसा क्यों मैं कह दूँ तुमसे, हो जाओ तुम राजी। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे, क्या जमाना आ गया। हाँ तुम्हारा कोई लेटर आया है ना? मैं जा रहा हूँ सर।
क्यों? माँ की तबीयत तो ठीक है? इस कमरे के लिए आपसे झूठ बोला था। She passed away when I was 10, sir. हॉस्टल से मुझे निकाल दिया गया था। मेरी गलती थी नहीं सर, फिर भी घर वापस जाता तो डैड सोचते कि मैंने हार मान ली। और फौज में सर सेकंड इज फेल सर। जो हासिल करने आया था उसे भूल गया, और जो नामुमकिन था उसे हासिल करने निकल पड़ा। माँ इतनी सस्ती चीज नहीं है, गलत इस्तेमाल मत करो। दिस सिटी करप्ट्स यू सर। Nice way to hide your importance. City corrupt करती है। खुद फेल हो जाओ, सिटी को ब्लेम करो, खुद पर तरस खा और मैदान छोड़ के भाग जा, क्योंकि सिटी करप्ट करती है। तुम्हारा जैसा सोल्जर फ्रंट में नहीं अच्छा है, नहीं तो देश का क्या होता। इडियट। ये लो तुम्हारा फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स, चल जल्दी जल्दी खाओ। ए मानिक जरा पीछे जाना। हाँ चलो। अरे तुम लोग क्या ये मंबो जंबो करता रहता है? ए तू दिन भर डांस करता है, शो वो तो करता नहीं है। ए वो टेबल का कुर्सी नीचे करो ना। ए बंटी कैसा है? अरे वो तुम्हारा सुबू का है, इतना एक्सपेंसिव कॉफी मेकर देकर गया, और फिर तुम काय को मुंह लटकाता है अगर वो नहीं आया तो। ए मानिक, ए बंटी के लिए चार ग्लास दूध लाना। हाँ लायो लायो। आर यू ओके? Hi pumpkin, what's up? Hi. Hi ma'am. Miss Dilshad Nanji. Papa. Miss Dilshad Nanji. Rahul Sood, legal attorney, Bluebell. Pleasure meeting you, Miss Nanji. वेल मिस नांजी, ये जगह जुबिन ईरानी की है इसी, और पिछले 30 साल से आपने इस पर इलीगल कब्जा कर रखा है। सो अब आपके पास 30 दिन है इसे खाली करने के लिए, वरना हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑलराइट? यस, थैंक यू। इस नोटिस को एक्नॉलेज कर लीजिए प्लीज। गो अहेड, साइन इट। साइन इट मिस नांजी, प्लीज। राइट हियर। Quite a change. Good, good. Achha. Papa, mat jao. Hey, champ. Papa, I'll be back. Okay. नया बगैर देख के डॉक्यूमेंट को साइन किया? हम अच्छा लॉयर हायर कर सकते हैं, नोटिस का जवाब नोटिस से दे सकते हैं। तुम्हारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, मेरे को दे दो। नहीं है। ओनरशिप डीड? नहीं।
रेंट रिसेट। तुम्हारा नाम दिलशाद ईरानी नहीं दिलशाद नानजी है। इतने सालों से ये कैफे तुम बिना किसी डॉक्यूमेंट के चला रही हो। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। जुबिन ने ये जगह मुझे दी थी, हर चीज लेके नहीं दी जाती। इससे हमारा केस वीक हो जाता है। मैडम मैडम रिलैक्स रिलैक्स माने। रिश्ता ही प्यार का होता है एक ऐसा रिश्ता, तन्हा दुनिया से जो लड़ने का जिगर देता है। कैसा डॉक्टर है? वैसो वे गलत अटैक है। गो एंड रीड, शाम को मेरे को पढ़कर बताना इडियट। देख जरा नाम के आगे डिग्री देखो तो 5 लाइन है। 15 साल माँ का इलाज किया, कौन सी दवा कब कैसे क्यों देने मेरे को मालूम। कुछ नहीं आता इनको, सिर्फ 2 चीज आती है, एक इंजेक्शन दूसरा ऑपरेशन। इडियट काय को सबू, काय को सबके साथ झगड़ा करता है। मैंने आज तक किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। डोंट लाफ, गलत इंजेक्शन दे रहा था, देने देता। चलो साइन करो इस पर, स्टे ऑर्डर का एप्लीकेशन है। तुम तो बोला कि हम लोग कैफे बचा नहीं सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं हर वक्त मैं सही हूँ, गलत था। इधर साइन करो। थैंक यू। कम ये क्या हो रहा है अमित? अमित प्लीज सिट डाउन यार। अमित व्हाट्स दिस हैपनिंग? हु इज दिस इडियट सुब्रमण्यम जिसने स्टे ऑर्डर लिया? मिस्टर मेहता उसकी चिंता मत कीजिए। सुब्रमण्यम की मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे ऑफिस में काम करता था, और ही इज जस्ट अ टाइपिस्ट, बस दैट्स ऑल। कोर्ट के दरवाजे उसने सालों से देखे नहीं है, वो केस लड़ नहीं पाएगा। डोंट वरी अबाउट हिम, और हम उन्हें किसी और लॉयर को हायर करने नहीं देंगे। अमित ये केस ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। मिस्टर सूद प्लीज कम विद मी, आई वांट टू टॉक टू यू प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या होगा क्या होगा? सारे अपसेट है ना, कैफे बंद हो जाएगा तो पार्टी करने कहां जाएंगे? स्टॉप बीइंग अ ड्रामा क्वीन प्रियंका, कम ऑन। कमाल है यार, हम सब इतने सेल्फिश हो गए हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट दिलशाद आंटी, राइट? उनकी लाइफ है यार ये कैफे, जस्ट थिंक अबाउट इट। और एक हम लोग हैं यार बस यहाँ पर। बच्चा तुम वो हेरिटेज प्रोजेक्ट कर रहे हो राइट? हाँ। उसमें यहाँ की कंस्ट्रक्शन डेट क्या है? 1923। Come on, we have to go. Get up, fast. Bye. Come on, fast. Let's go. Zubin ka waris? Haan. Jamshed Irani. Nahi. Aisa hota to Zubin mere ko jarur batata. Dekho, is cafe ko agar bachana chahti ho, to mere sawal ke jawab de do. क्या जुबिन ने इस प्रॉपर्टी के बारे में किधर मेंशन किया है? हाँ। कहीं मेंशन किया है? नहीं। कुछ छुपा रही हो तुम? हाँ हेलो दिक्रा। मामा आर यू ऑलराइट? अरे मम्मा इज फाइन बेटा। मम्मा अगर आर्यन मुझे कॉल नहीं करता ना तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप इतने बीमार हो। मैं ठीक हूँ निक्रा। अरे बेटा बस जरा सा चक्कर आ गया था और वो हॉस्पिटल। मम्मा प्लीज, कोई जरा से चक्कर के लिए 3 दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रहता। एंड हु इज दिस सुबू? हाँ दोस्त है बेटा, लॉयर है। लॉयर तो सो कर रिच। दैट्स इट मॉम, मैं आ रही हूँ। अरे डलना थोप, अरे थोप डल। हेलो, कितनी सिद्धि है। बेटी है तुम्हारी, शी शुड बी हियर विथ यू, यू नो। 30 साल पहले आपा बीमार थे, मैं बंबई में था, जा नहीं पाया। अगर जाता तो
उसको यहाँ रहना चाहिए तुम्हारे साथ। मानिक, अरे पिक अप द फोन। That's a very good idea, शालिनी। Lucky Cafe को हेरिटेज बिल्डिंग में बदलने के लिए पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। And I don't mean just 10-15 people. पूरे शहर को साथ लेना पड़ेगा। इकट्ठा करेंगे लोगों को, सड़कों पर उतरेंगे। Signature campaign is the way ahead, guys. Right, Facha. और guys, राघव से भी बात कर सकते हैं। He's got great fan following. Oh my God, that's such an amazing idea. कब जा सकते हैं उसे मिलने? Not you, Mellow Queen. Facha, कल मेरी शूट के बाद एड्रेस भिजवा दूंगी। But why not me? Whatever. You see, मेरे को तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना भाई, कौन पैदा हुआ, कौन मर गया, किसने किससे शादी बनाया। अरे यंग मैन, एक टाइम था जब अक्खा बम्बई में हम लोग राज करते थे। अब बड़े बड़े नाम एक एक करके खल्लास होने लगे। मेरा भी तो तबीयत ठीक नहीं रहता। ले चाय पी। अरे किताब छोड़ना, चाय पीना। थैंक यू। ये जुबिन ईरानी। जुबिन, जुबिन थाना था, उधर टाडे में रहता था, पारसी अग्यारी के सामने। क्या बंगला था बाप रे। अरे इतना मोटा मोटा तो फूल होता था। जुबिन शादी बनाया था? उसका रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है, पर आजकल शादी को पूछता कौन है। अरे शादी तो हमारे जमाने में होता था, बैंड बाजा बजता था, लोग आते थे और क्या क्या जश्न होता था। जुबिन का भाई दिनशा। दिनशा ईरानी? हाँ। साला हलकट, नपावट, नाड़ी छोटा। अरे अपने घर की काम करने वाली गंगा को लेकर भाग गया। बाजवे, ये चक्कर क्या है? एक और आदमी भी जुबिन की इंक्वायरी करता हुआ आया था। क्या नाम था? असलम। ग्रीन बैकड्रॉप पर ग्रीन शर्ट, सिर्फ लटकता हुआ सर नजर आएगा। स्टॉप द ब्लडी मशीन। शालिनी सर, राइट? यस सर। तुम्हें इसलिए डायरेक्शन डिपार्टमेंट में रखा है ताकि हर बार तुम मेरा काम बिगाड़ो। नो सर। चेक चेक चेक। अगर तुम्हें चेक की इतनी पड़ी है ना, तो घर जाकर बैठो, मैं तुम्हें चेक वहां पहुंचा दूंगा। सर लेकिन क्रोमा पे मैंने। लेकिन मेरा शूट बर्बाद मत करो। यू हैव स्पॉइल्ड माय शूटिंग। तुम्हें आज तक राघव की वजह से झेलता आया हूं। यू नो नथिंग। पैक अप। सर आई एम सॉरी सर, प्लीज इट्स पैक अप फॉर यू आल्सो। डैम इट। बस आगे से लेफ्ट लेना। ये क्या बकवास है? उत्तरी है क्यों है? बेबी आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ब्लूबेल्स के खिलाफ जाने के लिए मुझे मत बोलो। इट्स एब्सोल्युटली इनसेन, पागलपन है। राघव, दिलशाद आंटी ने तुम्हारी बहुत मदद की एंड यू डोंट फॉरगेट दैट यार। तो मैं क्या करूं? व्हाट डू यू वांट मी टू डू मैम? अपना पूरा करियर बर्बाद कर दूं उनके लिए, उनके कैफे के लिए? बियॉन्से का शो मिला है मुझे ब्लूबेल्स की वजह से, छोड़ दूं? हाय राघव, हाउ आर यू माय बेबी? हे हे, I'm good. You're looking great. Thanks. this is Shalini. Hi, Shalini. Shalini, Jenny. Shalini is a very, very good friend. Jenny ke bare mein main tumhe bata raha tha ki she's doing the Bluebells contract, Beyonce show. She's a sweetheart. Oh, come on, stop it. You have to listen to the new song. It's brilliant. Absolutely. Yeah? So then let's record it, sweetie. Yeah. We should record it, I guess. I guess you are very busy. Shalini. Bye. Nice meeting you. Great timing. Facha, let's go. अच्छा ही हुआ तुम आ गई। क्यों, कोई problem हो गई? I was in a very awkward position. तुम्हें कुछ और उसके साथ घर भी बसा लेना, you'll be in all the right positions. और उसकी तो मैं Don't you do that again. Is she upset? Shalini जी। Yeah. आप गाली नहीं भी देती तो समझ तो जाते हो वैसे।
जरूरी नहीं है कि गाना गाकर ही लोगों को इकट्ठा किया जाए। जिसे कैफे से प्यार है वो अपने आप ही आएगा। ए बच्चे, हेरिटेज कमिटी का डेट आ गया। आर्मी से दूर नहीं जा रहा सर, मैं सिर्फ एक बार उन लोगों को करीब से देखना चाहता हूँ जिनके लिए हम फौजी अपनी जान देते हैं सर। दो चार नहीं ओ बंदे, दस बीस नहीं ओ बंदे, अब पूरी खलकत बोलेगी बोलेगी। अब छोड़ मुनाफा बंदे, लालच के सारे धंधे, हर बार मोहब्बत बोलेगी बोलेगी। तेरा प्यार नफा, तेरा प्यार सिला, तेरा प्यार नफा, तेरा प्यार जिला। चल हाथ मिला, चल हाथ मिला रे बंदे, चल हाथ मिला, हाथ मिला, चल हाथ मिला रे बंदे, चल हाथ मिला। जहाँ अपनी मर्जी से जीना कोई घोर जुर्म कहलाता है, वहाँ बंदा बंदे से मिल गए लालच का राज हटाता है। बातों से बात बनेगी ना तो कोई क्या कर सकता है, अब नाम शराफत का लेकर कोई कब तक डर सकता है। ये जबर हटा कर फतेह किला, ये जबर हटा कर फतेह किला, चल हाथ मिला, चल हाथ मिला रे बंदे, चल हाथ मिला, चल हाथ मिला रे बंदे, चल हाथ मिला। ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चे हैं किंगस्टन कॉलेज के, जो हमारी हेरिटेज की जगह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जिसकी जिम्मेवारी हमारी सरकार को अपने हाथों में लेनी चाहिए थी, मगर अब इन बच्चों ने अपने हाथों में ले ली है। दुख की बात ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज पैसों के जोर पर हमसे हमारा हेरिटेज छीन रही। कैन यू एक्सक्यूज अस प्लीज। ये जो हेरिटेज साइट्स हैं वो तो संभली नहीं जाती। गेटवे ऑफ इंडिया को पिकनिक स्पॉट बना रखा है, ताजमहल हर साल 2 मिलीमीटर नीचे धस रहा है, लकी कैफे के पीछे पड़े हुए हैं। मैं क्या, अमित उस हेरिटेज कमेटी का कुछ करो, अगर ये कैफे हेरिटेज साइट बन गया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स सर, रिलैक्स, कुछ नहीं होने वाला। हेरिटेज कमेटी कुछ नहीं करने वाली, उन्हें इतना पैसा दिया हुआ है कि रूल क्या सारा रूल बुक चेंज कर देंगे वो लोग, ट्रस्ट मी। ग्रेट। हाँ अमित, फॉर गॉड सेक अपनी बीवी को समझाओ यार, ये क्या है रैली वैली, हाँ क्यों खामखा झांसी की रानी बनने की कोशिश कर। मिस्टर मेहता, आई एम सॉरी, लेकिन बेहतर यही होगा अगर आप मेरी बीवी को इससे दूर रखें तो। अमित, अमित लिसन टू मी, इधर यो आप और आउट, और इस केस में तो पूरी तरह से लेफ्ट आउट हो जाओगे। ये क्यों भूल रहे हो, जो कुछ भी किया तुमने किया है, सारे पेमेंट्स, ब्राइब्स, एवरीथिंग, केस होगा तो तुम्हारे खिलाफ होगा। चलो ये सब छोड़ो, अपने फ्लैट के बारे में सोचो, 4 बेडरूम हॉल फ्लैट, ईएमआईज भरने। यार लिसन यार, दिल से नहीं दिमाग से सोचो, फॉर गॉड सेक स्टॉप बीइंग दिस हिंदी फिल्म हीरो, एंड आई नो यू कैन डू इट, यू आर माय मैन, कम ऑन। अच्छा तुमने हेरिटेज साइट्स की जो इतनी फोटोग्राफ्स निकाली वो कमेटी को क्यों नहीं दिखाई? वो इतनी अच्छी नहीं आई थी जो। स्ट्रेंज, तुमने एक एक जगह की 10-10 फोटोग्राफ्स निकाली, एक भी अच्छी नहीं आई। आई गेस आई एम अ बैड फोटोग्राफर मैम। रियली? मुझे खींच लेने चाहिए थे। लेट्स गो। गो। बस बचा आगे लेफ्ट पे रो। पर शलिनी जी आप तो वहाँ। वहाँ नहीं, यहाँ रहती हूँ। अच्छा? Not so cool, हाँ? नहीं, सुपर कूल है जी। शलिनी जी आप कहाँ रहती हैं, क्या काम करती हैं, इन चीज़ों से अगर किसी को कोई फर्क पड़ता है ना तो पड़े, आपको नहीं पड़ना चाहिए। खुद की रिस्पेक्ट आप कर लेना, सब करेंगे।
और मैं तुझे आपको ऐसे ही पसंद करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग द अर्ली जी। अरे सुनो, ये जल्दी खत्म करो, टाइम नहीं अपने पास। और नीचे से कोई पानी लेकर ऊपर आओ, बाल्टी से कब तक डालोगे? क्या कर रहे हैं आप लोग, ये सब क्या हो रहा है? अरे हम लोड कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है। असलम भाई से पूछो, ऊपर है। ए माने, गेट द बकेट। आई गेट द बकेट। अरे क्या बाल्टी बाल्टी कर रहा है दिलशाद, कुछ कर। हां ऊपर का फ्लैट खरीद लिया, इसका मतलब कैफे को तोड़ देगा? मालिक मेरा सर फट रहा है। मैं सुबह का भी फोन लगाता हूं, अब भी फोन करता हूं। तुम लोग जो करना है करो, खुद डला समझ से जाओ बस। Nani, why do you want to go to Australia? आपसे मुझे कोई छीन ले जाए तो क्या आप लड़ेगी नहीं? You won't fight? Hey Nani, wait. Man to man, अब कैफे जितना प्यार मुझे करती है ना? Much more, much more. Love you, Nani. Two coffees, one espresso, and one latte for our civil engineer, Mr. Desai. Oh, and send some cookies. Yeah, sirf doodh wali coffee milti hai. Lekin aapko wo bhi nahi milegi. Manik, inko coffee aur cookies de dena. Inke liye free hai. Fine. Sir, Heritage plea ka idea acha tha. Nice. Lekin aapki plea reject ki gayi. Shayad committee se galti ho gayi. So ab जस्टिस खेतरपाल ने ऑर्डर पास किया कि पुरानी बिल्डिंग इंस्पेक्ट की जाए और कोई भी बिल्डिंग अगर रहने लायक नहीं हो या लाइफ थ्रेटनिंग हो तो उसे खाली करवा दिया जाए। आई नो दैट। एब्सोल्युटली राइट सर, इसलिए मिस्टर देसाई इस बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। यू कांट डू दिस। ऑफ कोर्स वी कैन। अगर आप इन्हें इनका काम करने से रोकेंगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। इट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नोटिस है हमारे पास। बेटे नोटिस ले आ। इंस्पेक्शन नोटिस, ये सिर्फ इंस्पेक्शन नोटिस है, करने दो उनको। हमारे तमिल में एक बोली है, कहावत है, पैड़ी छिपकली जब दीवार के कोने पर होती है ना तो उसे लगता है कि अपने ही दम पर चारों दीवारें खड़ी हैं, लेकिन होता तो वैसे नहीं ना। कहावत अच्छी है सर, लेकिन कोर्ट में कहावत नहीं, एविडेंस की जरूरत पड़ती है। और आप ही ने मुझे सिखाया था कि अपने आप को चारों तरफ से सिक्योर करो। एंड आई हैव बीन योर बेस्ट स्टूडेंट। चार दिन, सिर्फ चार दिन। छह साल का हॉस्पिटल में एडमिट है स्ट्रेस की वजह से। एटलीस्ट इसके सामने झगड़ा मत किया करो। ओके ओके, आई नो आई नो। ओके, इज ही ओके? या ही इज ओके, बट प्लीज ख्याल रखा करो तुम। गॉड, थैंक गॉड यू आर ओके। पापा। Hey, champ, how are you? How are you? How are you, beta? Papa, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सब स्पोर्ट्स खेलूंगा। Okay, beta. किताबों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दिलशाद आंटी के कैफे भी नहीं जाऊंगा। अब तो उनका कैफे उनको वापस कर दो। सब आपको विलन बुलाते हैं।
look like a rock star. सब ठीक हो जाएगा। ओह मैम, आप लोगों से मुलाकात करना कितना मुश्किल है। यू नो, मैं कैफे गया था, पता चला कि आप लोग यहाँ अस्पताल में। खैर, एनीवे, ये पेपर्स आप रख लीजिए, ये कोर्ट के समन्स है। प्लीज प्लीज साइन करने की कोई जरूरत नहीं। और ये रहा एविक्शन नोटिस। ऑलराइट, वेल आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट, गुड बाय। हाँ, ऑल डन ऑल डन, सब कुछ ठीक है ना? या हाँ, लेकिन व्हाई यू राहुल? व्हाई नॉट, वी हैव टू विन राइट, एवरीथिंग इज फाइन, वी विल सी देम इन कोर्ट। आई डोंट, अब क्या लेने आए हो? मिल गया सब कुछ? अनीता, स्टॉप इट, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? यहां तक पहुंच गए, हॉस्पिटल तक पहुंच गए तुम? कोर्ट के समझ लेके यहां तक पहुंच गए? अमित, जस्ट लुक एट यू, आई डोंट इवन नो यू एनीमोर। अनीता, तुम्हें कैफे मिल गया? मिल गया तुम्हें कैफे? अब जाओ यहां से। आर यू आस्किंग हिम टू लीव? लीव अमित नाउ, प्लीज जाओ यहां से। अमित, मजाक बना के रखा हुआ है हमारा। अनीता से बुलाया कि इसका बेटा हॉस्पिटल में है और ये वकील ले आए। जस्ट संस्कृति आपल्या पुरातत्वला एखाद्या आंतरराष्ट्रीय विळख्यापासून वाचवू शकू? हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी एक लकी कफे आया हुआ है। The question still remains the same, जिससे हमारी कई छोटी बड़ी खुशियां और दुख की यादें जुड़ी हुई हैं। जरा अपन शामिल हो तसाल। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, join the save lucky cafe campaign, lucky cafe campaign, अरे लकी कैफे ला वाचवा and make a difference। फचा, 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 वो ब्लूबेल वाले तंग करने आ गए। कोई कुछ नहीं करेगा, सुबू सर ने कहा है कि कोई कुछ नहीं करेगा, वरना लोगों को लगेगा कि कैफे बचाने के चक्कर में हम सब गुंडागर्दी पर उतर आए। ओके बच्चा, तुम हेरिटेज कमेटी की सिग्नेचर फाइल साथ में लेकर आए हो ना? पकड़। ओके ओके, रिलैक्स, तुम्हारे घर से मैं लेकर आती हूँ, इट्स ओके। दिलशाद आंटी का कैफे उनको वापस कर दो, सब आपको विलन बुलाते हैं, अब विलन नहीं है ना? आंखों पे मेरी, हाथों को अपने, चुपके से रख जाना, फिर कहना धीरे से हंस के, कौन हूँ मैं पहचाना। मैंने जिसको बंद आँखों से देखा है, तुम हो वही, तुम मिलो तो सही, तुम मिलो तो सही। நான் போகிறேன் அம்மா, என்ன ஆகும் எனக்கு தெரியாது, எனக்கு பெஸ்ட் லக் கொடுத்த போகிறோம். Mom, how are you? Dilnaz, have a Ahmed, sir. Good morning, sir. Morning, morning. All rise. You may start, Mr. Rahul Sood. Thank you, ma'am. Your Honor, ये केस बड़ा ही सिंपल है. 1923 में मिस्टर रुस्तम जमशेद ईरानी ने एक बिल्डिंग बनवाई थी, रुस्तम हाउस. उनके मरने के बाद योर ऑनर, जायदाद का बंटवारा हुआ और यह बिल्डिंग उनके बड़े बेटे जुबिन ईरानी को मिली. मिस्टर जुबिन ईरानी ने शादी नहीं की तो उनकी कोई औलाद नहीं और इसीलिए उनकी डेथ पर इस प्रॉपर्टी पर कोई क्लेमेंट नहीं था और डिफेंडेंट मैडम दिलशाद नानजी ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, जो कई करोड़ की है, बगैर किसी कागजात के, बिना किसी हक के.
जबकि होना यह चाहिए था। जुबिन ईरानी की मौत के बाद यह प्रॉपर्टी उनके छोटे भाई दिनशा ईरानी को मिलनी चाहिए थी, या फिर अब दिनशा ईरानी के बेटे जमशेद ईरानी को। लीगली और मॉरली ये प्रॉपर्टी जमशेद ईरानी की है। योर ऑनर, दिलशाद नानजी इज अ ट्रेसपासर। दिलशाद नानजी पिछले 30 साल से झूठ बोलती आई है। कैफे के आड़ में ना जाने कौन कौन से धंधे चलाती है वहाँ पे। योर ऑनर, डर लगता है ये सोचकर कि शहर के बच्चे जाते हैं वहाँ पे। दिलशाद नानजी पर कार्रवाई की जाए और जमशेद ईरानी। ये सब झूठ है सर। दिस इज टू मच। शट अप। एक्सक्यूज मी मैम, दिस इज ऑल फैब्रिकेटेड मैम। एक्सक्यूज मी, अगर आपको कुछ कहना है तो विटनेस बॉक्स में आके कहिए। अमित, अमित सिट डाउन। अमित कहाँ जा रहे हो? थैंक यू। आई एम सॉरी मैम, सॉरी फॉर स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न। मैम मेरा नाम अमित नागपाल है और मैं ब्लू बेल कंपनी के लिए काम करता हूँ। आई एम द सीईओ मैम। मेरी कंपनी ने लकी कैफे पर कब्जा करने के लिए ईरानी अंजुमन से रिकॉर्ड चोरी की है। मैम हेरिटेज कमेटी के कुछ लोगों को भी रिश्वत दी है, यहाँ तक कि असलम नाम के एक लोकल गुंडे को भी हायर किया ताकि वो मिस दिलशाद नानजी को हैरेस कर सके। और ये सब के लिए मैम मैं जिम्मेदार हूँ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ मैम। मिस्टर नागपाल, ये सब जो आपने कहा इस पर मिस नानजी ब्लू बेल के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं, लेकिन इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की ओनर हैं। यू मे कंटिन्यू मिस्टर राहुल सूद। थैंक यू योर ऑनर। एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट वन चांस मैम। मैम आप एक नज़र भर डालिए मैम, आप खुद समझ जाएंगी कि ये जगह शहर के लोगों के दिलों में क्या मायने रखती है, लोगों के दिलों में दिलशाद आंटी क्या मायने रखती है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है मैम, दिलशाद नानजी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ हैं। मैम प्लीज, दैट्स इट, यू मे स्टेप डाउन प्लीज। यस मैम। फाइनली थैंक गॉड। एंड योर ऑनर, ये रहा दिनशा ईरानी का मैरिज सर्टिफिकेट, जमशेद ईरानी का बर्थ सर्टिफिकेट और लिनिएज की डिटेल्स। एंड योर ऑनर, ये है वो अग्रीमेंट जिसमें जमशेद ईरानी ने अपनी प्रॉपर्टी ब्लू बेल्स कैफे को बेच दी है। और इसीलिए ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस प्रॉपर्टी पर पिछले 30 साल से इलीगल कब्जा करने की और झूठ बोलने की सजा डिफेंडेंट दिलशाद नानजी को दी जाए और जमशेद ईरानी को उनका हक। थैंक यू योर ऑनर। प्लीज कॉल मिस्टर जमशेद ईरानी। आप मिस्टर जमशेद दिनशा ईरानी हैं? यस मैम। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं ये सही हैं? या आई गेस सो। मिस्टर सुब्रमण्यम, आपको कुछ पूछना है? नो योर ऑनर, मुझे जिमी से कोई, जमशेद ईरानी से कोई सवाल नहीं पूछना। तो क्या आप मानते हैं कि जो कुछ भी मिस्टर राहुल सूद ने कहा वो सच है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इन्होंने जो कहा वो मेरे जैसे किसी क्लर्क ने इनके ऑफिस में एक छोटे से कमरे में बैठकर लिखा होगा। Am I right, मिस्टर सूद? लेकिन सच कागज पर नहीं, दिल में होता है। और इस कोर्ट में सच जाने वाला एक ही इंसान है जिसे मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। कौन है वो? मिस दिलशाद नानजी। मिस दिलशाद नानजी, टेक द स्टैंड प्लीज। मिस नानजी, प्लीज प्लीज डोंट बी अफ्रेड। प्लीज आई एम एन एडवोकेट फॉर लास्ट 35 years, बट ये मेरा पहला केस है, मैं फाइट कर रहा हूँ। कुछ गलती होता है तो आप समझ लीजिए। मिस्टर सुब्रमण्यम, आप शुरुआत कीजिए प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। मिस दिलशाद नानजी, मिस्टर सूद ने कहा कि आप इस कैफे के मालकिन नहीं हैं, तो ये कैफे आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या रिश्ता है आपका इस कैफे से?
ये कैफे मेरे लिए सब कुछ है, मेरा जिंदगी है, बच्चे का जैसा पल। इट्स माय ड्रीम। आपके लिए जो सपना है और जिसे आपने 30 साल तक अपने बच्चे की तरह पाला है, आप इनको सौंप रही हैं। ये वो लोग हैं जो मॉडर्निटी के नाम पर अपने हेरिटेज को मिटा रहे हैं। इनके लिए अमेरिका और यूरोप की नकल यही प्रोग्रेस है। हालांकि ब्रिटेन में ऐसे कई गांव हैं जहां पे आप कोई चीज़ बदल नहीं सकते कानूनन, क्योंकि उनके लिए वो उनकी संस्कृति है, परंपरा है, हेरिटेज है, वो उसे संभालना चाहते हैं। और हमारे यहाँ सेज के नाम पर हक छीने जा रहे हैं, ज़मीनें छीनी जा रही है। मैडम, ये वो लोग हैं जो बाप बूढ़ा होने पर उसे ओल्ड एज होम भेज दे, लाल किले की जगह बड़े मॉल बना दे। आप भी यही चाहती हैं, है ना? नहीं नहीं, तो रोक दीजिए इनको, या सच बता दीजिए कोर्ट को। बोलिए, सच बोलिए। आज ये आपका इतना स्टूडेंट यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के बाहर आप इनका लेक्चरर है। ये सब यहाँ इसलिए नहीं आए कि आपने इनको अंडा भुर्जी खिलाया, भ्रूण मस्का खिलाया। आपने इनको सिखाया है जिंदगी क्या है, हिम्मत क्या है। ये तुम्हारा स्टूडेंट अमित नागपाल, रियली आई एम हैप्पी विथ हिम। अपना पूरा करियर, नौकरी, जिंदगी, घर का जिंदगी दाव पर लगाया और यहाँ सच बयान किया उसने। आई एम प्राउड ऑफ हिम। वैसे आप भी बोल दीजिए कोर्ट को, बताइए सच क्या है। यह मौका फिर नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट गेट दिस चांस। जिंदगी भर सारी फील करती रहोगी। मेरा पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। क्या जुबीन ने किसी लेटर में इस प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया है? नहीं। आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें रुस्तम हाउस या लकी कैफे के बारे में कुछ लिखा है? नहीं। ये कुछ पेपर्स है जो ईरानी हॉस्पिटल से मिले हैं। मिस दिलशाद ईरानी नानजी, यहाँ कुछ लेटर्स है मेरे पास जो आपके यहाँ से मिले हैं। देखिए, कुछ जानती है तो प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट इट। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर पर्सनल फाइल, प्लीज होल्ड इट, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है उस फाइल में मिस्टर सुब्रमण्यम? योर ऑनर, जुबिन ईरानी ने इसमें बयान किया है कि असल में ये प्रॉपर्टी किसकी है। I object, Your Honor. This is fraud and we have just keep quiet for a while. But ma'am, papers. Objection overruled. Mr. Subramanian, please continue. अगर जुबिन ईरानी यहाँ होते तो आपको क्या करने को कहते? बोलिए, क्या कहते? वो कहते कि उनकी बच्ची को उसका राइट दिलवाओ। Objection, Your Honor. जब जुबिन ईरानी की शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? Wait for a while. Objection overruled. Your Mr. Sood. Yes. कौन? कौन? Delnaz. किसकी बेटी? मेरी और जुबिन की बेटी. क्या? मेरी और जुबिन की बेटी. सॉरी दिखरा, आई डिडंट वांट यू टू नो अबाउट इट लाइक दिस। आई वाज व्हाट दिखरा, आई वाज 21 व्हेन आई वाज कैरिंग यू। अब शादी नहीं बनाया था, सुबिन ब्राज़ील गया था अपने प्रोजेक्ट के लिए, एन एक्सीडेंट। तुम्हारे शक्ल देख भी नहीं पाया,
I wanted to tell you. मैंने बहुत कोशिश की, मैं कोई हिम्मत ही नहीं था मेरे पास. मैं डर गई थी बेटा, डरती थी कि तुम ये कैसे एक्सेप्ट करोगे, लोग क्या बोलेंगे. I've lived a lie all my life. I'm sorry. I'm sorry, Rikra. Please, please, please forgive me. I'm sorry. मतलब ये विल आपके पास हमेशा से थी? हाँ. तो आपको कोर्ट का टाइम इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए था. टाइम वेस्ट मैम? मैम अगर आपका बच्चा ऐसा नाजायज होता तो आप दुनिया को बताती कि वो नाजायज है. सॉरी मैम, मगर आज भी कितने भी मॉडर्न हैं हम, मगर बिना शादी के बच्चे को बास्टर्ड ही कहते हैं. तो ये सब तब मालूम नहीं था आपको जब आप यू नो? मालूम था बाबा साहब, मालूम था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यू जुबिन हमारी जिंदगी से चला जाएगा, हमको अकेला छोड़ देगा. दिकरा, यू आर जुबिन ईरानी एंड दिलशाद ईरानी डॉटर, दिलनाज ईरानी. I am proud of you, Dikra. I am proud of you. Mr. Sood? Your Honor. Rustam House और Lucky Cafe की owner आपके सामने हैं. The case is dismissed. ए, स्माइल करने. ए फचा, फोटोग्राफ्स अच्छे खींच लेते हो पर फोकस गलत है. ब्राउनी पॉइंट्स. तुमने आर्मी का एग्जाम सैक्रिफाइस किया मेरे लिए. कैफे के लिए. इट्स द सेम थिंग ना. चलो अब कुछ बोलो. मैम प्लीज हेलिए मत. व्हाट? बंटी. यस सर. इसीलिए तुम यहाँ आए थे? नो सर. यस सर. I am proud of you, my son. Permission to hug me. हाँ शर्मा जी, लोन तो चाहिए लेकिन EMI कौन भरेगा आपका बाप? क्या हुआ शर्मा जी? बहुत सुपरमैन. राठौर में रह लोगे? वन रूम किचन में. नौकरी तो अब तुम्हारे पास है नहीं, घर के काम में मेरा हाथ बटा सकते हो. यस. लव यू. अम्मा என்ன சீ எனக்கு தெரியாது. கேஸ் முடிச்சிருக்கு. சுபு किससे बात करता है? अभी तुम थैंक्स बोलेगा. थैंक यू. अभी तुम सॉरी बोलेगा? अरे सॉरी बोलने का कोई वजह ही नहीं है. हम कभी सॉरी सॉरी. अभी तो एडमिट करो इन द कोर्ट ऑफ लॉ. क्या उस दिन बॉटल तुम तोड़ा था ना? नहीं नहीं, बॉटल मैं नहीं तोड़ा. एक्चुअली आई वाज होल्डिंग दैट बॉटल. मैं ये देखो, मैं ऐसा बॉटल पकड़ा, दूसरे बाजू से तुम्हारा हाथ आया, तुम ऊपर पकड़ा. नहीं नहीं, तुम ऐसा देखो, तुम ऊपर पकड़ा फिर तुम्हारा हाथ आया. मैं सोचा रे बाप रे, तो मैंने छोड़ दिया. तुमको लगा मैंने पकड़ा है, तुमने छोड़ दिया. सी यू ब्रोक द बॉटल. You broke the bottle. Milord, she is the culprit. You must convict her. It's about you and me, honey.
It's not about a coffee. It's about you and me, honey. Tum milo, to say.